वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी होम साइंस कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से टॉप 10 कॉलेजेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉलेजेस को अरेंज किया गया है। सो बीएससी होम साइंस जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको वेरियस फील्ड्स में जॉब्स मिल जाएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट जॉब इन टीचिंग, रिसर्च, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एंड सोशल वेलफेयर और भी कई सारे फील्ड्स हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि बीएससी होम साइंस करने के बाद जॉब नहीं मिलती है या इस फील्ड में जॉब की स्कार्सिटी है, तो डेफिनेटली कम जॉब होगी लेकिन जॉब नहीं है ये कहना बहुत गलत होता है, क्योंकि हर फील्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आपको प्रेजेंट टाइम में कितना जॉब अवेलेबल है, कहाँ पे ये वैकेंसीज है, वो आपको रिसर्च करना पड़ता है। सो हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट कुछ में ज़्यादा और कुछ में कम होती है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर वन पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। अब आपने PCM, PCB या फिर PCMB से 12th पास किया है और मिनिमम 55% है, साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, तो ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल है। बट एडमिशन के लिए आपको इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड टोटल 30 सीट्स है बीएससी होम साइंस कोर्स के लिए। सो ओवरऑल इसे 18 रैंकिंग मिली है, NRF ने इसे रैंकिंग दी है। सो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है, आप कोई भी कोर्स यहाँ से परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर टू पे है गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ में है। सो ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है होम साइंस कोर्स के लिए इन दी कंट्री। एंड कौन एलिजिबल है, आप सभी किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में है डेफिनेटली यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी होम साइंस की सेमेस्टर वाइज अगर हम फीस देखें तो 92,000 to 93,000 के रेंज में आपकी फीस होती है। सो सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पे करना होगा, तो आपका यहाँ पे मेरिट बेसिस एडमिशन होने वाला है। सो 12th में अच्छे से अच्छे अगर स्कोर आप लाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है वो मेरिट बेसिस ही एडमिशन लेती है बीएससी होम साइंस कोर्स के लिए, तो यहाँ पे 120 सीट्स है। नंबर थर्ड है लेडी इरविन कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहले खुद का एंट्रेंस होता था DUET के नाम से, बट अब CUET के नाम से एंट्रेंस होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। सो 12th में जो भी स्ट्रीम है, जो भी सब्जेक्ट है, सेम स्ट्रीम से आपको CUET में या सेम सब्जेक्ट से CUET में अपियर होना होता है। मतलब ये कि CUET के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिस्ट A है जिसमें आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लिस्ट B1, B2 है जिसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस टाइप के। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये जो बीएससी होम साइंस है इस कोर्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये कि बीएससी होम साइंस की जगह पे आपको बीएससी बायोलॉजिकल साइंस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आई डोंट नो कितने टाइम से है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत जल्दी इसे करेक्ट करना चाहिए ताकि बच्चे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर पाए CUET का। सो यहाँ पे 30,000 अप्रॉक्सीमेटली बीएससी होम साइंस की पर ईयर फीस रहेगी, यानी कि हर साल आपको 30,000 पे करना होगा। नेक्स्ट कॉलेज है सेंट टेरेसा कॉलेज, और इस कॉलेज की बात करें तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1925 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कर लिया है या आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो, आप सभी एलिजिबल हो। 10,500 रुपीज़ टोटल कोर्स फीस है, इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है बीएससी होम साइंस कोर्स के लिए। इसके बाद 5th नंबर पे है निर्मला गिरी कॉलेज, जो कि कानपुर में है, एंड यहाँ पे 7,265 के अप्रॉक्स टोटल बीएससी होम साइंस कोर्स की फीस है। एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, कानपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवाएगी, तो उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा, अच्छा स्कोर होगा, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। इसके बाद नंबर 6 पे है NIMS यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान में है। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कर लिया है या कर रहे हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल है। 90,000 टोटल बीएससी होम साइंस कोर्स की फीस रहेगी। NIMS यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा एंड सैलरी पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ पे 4.50 लाख जाता है। 7th पे है फातिमा कॉलेज मदुरई, ये सिर्फ और सिर्फ वेमेन के लिए, ये एक कैथोलिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो यहाँ से आप बीएससी होम साइंस विद फूड बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं एंड साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो इसके साथ मैथ्स या फिर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तो इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। 39,000 या कह सकते 40,000 के अप्रॉक्स आपकी टोटल फीस रहती है। एडमिशन कैसे होगा, सो 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू देना होगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए। एवरेज पैकेज 3 लाख का है।
नंबर 8 पे है माउंट कामा कॉलेज जो कि बैंगलोर में है, और ये एक विमेंस कॉलेज है वसंत नगर ऑफ बैंगलोर में है। तो किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। 1.26 लाख के अप्रॉक्स आपकी टोटल फीस है बीएससी होम साइंस की। तो काफ़ी फीस ज़्यादा है यहाँ पे, बट ये कॉलेज बैंगलोर में है और बैंगलोर से कई सारे स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो एडमिशन आपका 12th आज इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। 7.5 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है। 9th पे है कन्या महाविद्यालय जो कि जलंधर में है। जलंधर का ये बेस्ट कॉलेज है। सो यहाँ पे आप सभी एलिजिबल है। इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है 12th में। फीस की बात करें तो ऑड सेमेस्टर के लिए यहाँ पे 20,000 एंड इवन सेमेस्टर के लिए 16,000 फीस रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस पे करना होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस एडमिशन होता है। नंबर 10th पे है जेडी बिरला इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, और ये काफी रिनाउंड एंड वेल नोन प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज है। ओके, सो कोलकाता के ये गर्ल्स कॉलेज में अगर गर्ल्स आप देख रही हैं, डेफिनेटली ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होना चाहिए। एंड यहाँ से आप बीएससी ऑनर्स इन टेक्सटाइल साइंस या फिर क्लोथिंग एंड फैशन स्टडीज से कर सकते हैं। फीस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, 5 लाख के अप्रोक्स टोटल फीस लग जाएगी। एडमिशन ऑफकोर्स आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा एंड इंग्लिश कंपल्सरी है। सैलरी पैकेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 लाख पर एनम एवरेज पैकेज गया है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और भी कॉलेज के बारे में कोई जानना चाहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, बट मैं आपको बता दूँ एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है टॉप 10 कॉलेज के लिए। जो भी आपका स्ट्रीम है या जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, उसको एक बार जरूर चेक कीजिए। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।